Hey guys, what's up? So guys, welcome back to Tech Tubotto and welcome back to another video. So guys, पिछली वीडियो में हमने Hyundai i20 के ऊपर बनाई थी एंड उसे हमने बेस टॉप में कन्वर्ट किया था. सो गाइज, आज की वीडियो एक और Hyundai की गाड़ी पर होने वाली है. आज की वीडियो होने वाली है गाइज Hyundai Elantra पर एंड उसके अंदर उसकी हम हेडलाइट और टेल लाइट दोनों चेंज करने वाले हैं एंड उसे बेसिकली हम फेसलिफ्ट करने वाले हैं. तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं. और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबाना ना भूलें. तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, ये कार है आपके सामने, Hyundai Elantra का Fluidic SX मॉडल है. इसमें आप लाइट्स देख सकते हैं, नॉर्मल वाली लगी है. इसको हम चेंज करने वाले हैं और बढ़िया लाइट्स लगाने वाले हैं. बाकी इसमें गाइस 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और कार के लुक काफ़ी एनहांस कर रहे हैं. देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी इसके साथ अब. और ये गाइस इसका 2014 मॉडल है और इसमें हमने पीछे ऑलरेडी लाइट्स फिक्स कर दी है. इसमें आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही है देखने में और खासकर रात को इसकी असली लुक आती है. तो एक बार थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ. तब तक आगे चलते हैं, देखते हैं लाइट्स वगैरह चेंज कैसे होनी है. और बाकी गाइस, इसमें जो टेल लाइट्स लगी हैं वो भी सारी प्लग एंड प्ले सिस्टम से लगी है, उसके अंदर भी कोई वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं थी. तो ये स्टॉक लाइट को हटाने के लिए और नई लाइट लगने के लिए फिटिंग वगैरह और हार्नेस वगैरह सब कुछ गाइस फर्क है, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लगाने के लिए. तो ये आप देख सकते हैं गाइस, मोहित भैया ने लाइट्स खोलना स्टार्ट कर दिया है और जो कंपनी फिटेड आती है. और अब बारी आएगी गाइस बम्पर की. तो बम्पर खोल दिया है भैया ने और अब लाइट्स ओपन करेंगे एंड फिट होंगे उसकी जगह न्यू लाइट्स. अब लाइट्स भी बाहर आ चुकी हैं और जो लाइट्स अगर आप देखें तो पुरानी हो चुकी हैं काफ़ी और गाइस डल भी पड़ गई हैं काफ़ी और स्क्रैचेस भी काफ़ी पड़ चुके हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी देखने में काफ़ी पुरानी सी लगती थी. ये लाइट है गाइस जो चेंज होगी और प्रोजेक्टर के साथ आती है और इसमें मैक्सलिंग की HID 55 वॉट की है जो कि हम दोनों में लगा रहे हैं, यानी कि लो बीम और हाई बीम पर. और इसमें का सारा प्लग एंड प्ले सिस्टम है, कोई आपकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं है. तो जैसा आपको मैं बता रहा था कि अभी इसमें दोनों लो और हाई बीम पर लगाई जाएगी HID और ये आप देख सकते हैं और इसका ब्लास्टर वगैरह सब आपके सामने है. और गाइस, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी. और गाइस, नीचे फॉग लैम्प में LED लगाएंगे भैया और HID की वारंटी एक साल की मिलती है और गाइस 55 वॉट की कैनवस HID है. तो चलिए गाइस, अब बाहर चलते हैं और राइट साइड की लाइट आपके सामने हो चुकी है फिक्स एंड जगह पर लग गई है एंड गाइस बहुत अच्छी लग रही है देखने में. और गाइस, आपके सामने है DRL की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी लग रही है DRL के साथ गाड़ी एंड इंडिकेटर वगैरह सब कुछ वर्किंग है इसके अंदर. गाड़ी के लुक टोटली चेंज हो गई है इसकी वजह से एंड मज़ा आ रहा है देखने में गाड़ी को एक्चुअली में अब. और लेफ्ट साइड पे नहीं करी है अभी तक हमने इंस्टॉल एंड अब करने वाले हैं वहाँ पर भी इंस्टॉल. तो गाइस, आप देख सकते हैं फेसलिफ्ट मिल गया है गाड़ी को और DRL की अकेले की लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज़ है. ये मैक्सलिन की LED है जो मैं हर गाड़ी में लगाता हूँ. इसकी 2 ईयर वारंटी है, ज़बरदस्त लुक रोशनी इसकी और पूरी वाटरप्रूफ है. हाई एंड LED है मेरी नज़र में, हाई एंड ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, ज़बरदस्त. अभी आपका इसका व्यू दिखाता हूँ मैं. अब देखिए रोशनी, देखिए इसकी जबरदस्त खतरनाक रोशनी है, बहुत जबरदस्त चीज है ये. कभी हुंडई की गाड़ी में आप LED मत लगाइए, LED की कभी रोशनी नहीं आएगी. हुंडई की गाड़ी में LED कभी नहीं लगेगी.
ना रोशनी आएगी, हमेशा HID लगवाइए, कहीं से भी लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HID लगवाइए आप हुंडई की गाड़ी में। जबरदस्त लुक गाड़ी की बनती हुई। दोनों साइड की फॉग लैंप पर लग चुकी है LED और 2 साल की वारंटी है इसके साथ, एंड गाड़ी अब पहचान में नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द हेडलाइट्स एंड द फॉग लैंप्स। अब लेफ्ट साइड की लाइट भी लगा दी है भैया ने, एंड द कार इज रेडी नाउ। बस गैस बम्पर लगना बचा है, तो ये लाइट प्लग एंड पे सिस्टम से काम करती है और कोई वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो आपकी गाड़ी अगर वारंटी में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी बम्पर वगैरह पैक करते हैं एंड देखते हैं कि कैसी लग रही है लाइट एंड परफॉर्मेंस इसकी। द कार इज कम्प्लीटली रेडी नाउ। अब नई लग रही है गाड़ी एकदम, पहले काफ़ी पुरानी लग रही थी और गाइस गाड़ी को देखने में मज़ा नहीं आ रहा था देखने में इतना, लेकिन अब बहुत अच्छी लुक आ रही है गाड़ी की। अभी सर्विस का आपके सामने DRL ऑन है, अब कार को देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रही है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि गाड़ी की शक्ल बदल गई है, तो वर्थ है टोटली गाइस ये सब करवाना एंड अपनी गाड़ी के अंदर फेसलिफ्ट करवाना एक्चुअली में। इसकी आफ्टर मार्केट लाइट भी आती है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है वो ये वाली हेडलाइट काफ़ी बेटर है गाइस उससे। और अगर आप DRL देखें इसकी तो गाइस वो आईब्रो की तरह लगती है। ये देखिए फॉग लाइट की रोशनी देखिए, ये देखिए गाड़ी टेढ़ी खड़ी खड़ी कर रखी है भैया ने, ये देखो। मेरे हिसाब से तो फॉग लाइट ही बहुत है गाड़ी में। अब ये हेडलाइट ऑन करी है, फॉग लाइट बंद कर रहा हूँ मैं, बंद कर दिया फॉग लाइट। ये लो बीम है, ये लो बीम पे है, सब ऊपर नीचे सारा फंक्शन काम कर रहा है। तो ओवरऑल लो बीम एंड हाई बीम आप देख सकते हैं आपके सामने, एंड फॉग लैम्प अभी अभी हमने बंद करी है। ये HID की मैक्सिमम कंपनी की है जो अभी ऑन है गाड़ी में। तो आप लोगों को एक ऐसी लगी ये लाइट, लाइट की इंटेंसिटी एंड स्पेशली द लुक्स आर टू गुड, बहुत मज़ा आया ये सब गाइज देख के। तो गाइस पीछे इसकी आफ्टर मार्केट लाइट है और टेल लाइट्स और आगे हेडलाइट एंड अलॉय सबको देखकर मज़ा आ चुका है गाड़ी को। ये गाड़ी को लोग एनहांस तो कर ही रही है बट साथ में बहुत तेज़ लाइट भी है इसकी। सो ओवरऑल गाड़ी चेंज हो चुकी है पूरी, एंड अगर आपको कोई बोलेगा 2014 मॉडल है आप देख के नहीं बता पाएंगे एक बार पहले तो। और ओवरऑल गाइस गाड़ी की लुक एंड शक्ल एंड सब कुछ चेंज हो चुका है, हेडलाइट से लेकर फॉग लैंप की लाइट और पीछे टेल लाइट, तो इज़ टू गुड। सो ओवरऑल आपको गाइस कौन सी अच्छी लगी लाइट ज़्यादा, पीछे वाली कि आगे वाली? और गाइस मैं एक चीज़ और आप लोगों को ज़रूर बता दूं कि आगे और पीछे दोनों लाइट के अंदर कोई भी वायर कटिंग इन्वॉल्व नहीं है, दोनों लाइटें बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम से लगी हैं, तो गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ है उसकी वजह से। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने आपको दिखाया कि हमने Hyundai की Elantra के अंदर उसको टॉप एंड मॉडल में कन्वर्ट किया, या कि उसको आप कह सकते हैं कि उसको बेसिकली हमने फेसलिफ्ट करा है। और इसमें हमने हेडलाइट्स दिखाई आपको, हेडलाइट्स के अंदर HID दिखाई, फॉग लैम्प के अंदर LED लगी है और टेल लाइट भी चेंज करी है इसकी। तो ये अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो बस आपको जाना है ओमकार एक्सेसरीज़ पर, शालीमार बाग दिल्ली में। उनके पास आपको सब कार की लाइट्स मिल जाएंगी जिससे आप अपनी कार को बेस से टॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस उनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप गाइस उनको प्राइस के लिए आप उन्हें ही कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.